गुड आफ्टरनून एचसीएस एस्पिरेंट्स, होप आपकी जो एचसीएस की जनरल स्टडीज की तैयारी है वो ठीक चल रही होगी, मेंस की, बिकॉज प्री आपका क्लियर हो चुका है एंड मेंस की तैयारी आप कर रहे हो. सो आई एम हेयर टू ब्रीफली डिस्कस कि जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है आपका, उसकी जो फाइनल न्यूएंसेस हैं दैट आई विश टू डिस्कस. और जस्ट की तैयारी करते हुए कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, टाइम कम होता है, एंड अगर आपको वो फाइनर इंट्री केसेस पता हैं तो कुछ नंबर आपके गेन हो सकते हैं. ठीक है, आज मैं इस लेक्चर में सिर्फ जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आई विल डिस्कस कि क्या क्या स्कोप है उसका और किस तरह के क्वेश्चन पहले आए हैं और आगे क्या आने की उम्मीद है, ये पार्ट में करूँगा. फिर एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करूँगा जिसमें आपको मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन जीएस में कितने वर्ड लिमिट के, कितने नंबरों के पूछे जाते हैं और आने वाला जो अब एचएस है उसमें क्या पैटर्न होने की संभावना है ना, किस तरह से पैटर्न होगा, तो वो आपको हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में. तो आज हम पहले जनरल स्टडीज़ को समझते हैं कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या सेक्शंस आपके हैं. देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो अब पार्ट है इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूपीएससी सिलेबस, नॉट एग्जैक्टली वैसा नहीं है. एचसीएस की अपनी पेक्लोरिटीज़ उन्होंने रिटेन करी हैं, है ना. मेंस बिल्कुल डिफरेंट है, आईएएस में चार पेपर होते हैं, यहाँ पे एक ही पेपर है अभी तक. और कई सेक्शंस जो मेंस में आईएएस में हैं, एथिक्स है, गवर्नेंस है, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो आपके एचसीएस में डायरेक्टली नहीं है. तो इन्होंने स्पेसिफाई किया पेपर. जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरे जीएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट वन और पार्ट टू. पार्ट वन में आपकी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये टॉपिक मेंशन किया गया है. और मॉडर्न इंडिया स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इट इज़ मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल पे पूछे जाएंगे, राइट. नंबर एक, ये मॉडर्न इंडिया वो 1707 वाला नहीं है, ये मिडल ऑफ 19th सेंचुरी से है. दैट मीन्स 1857 रिवोल्ट के ऑनवर्ड ही हम एज पर सिलेबस लेंगे. और सेकंड पार्ट इसमें इंडियन कल्चर का है, और इंडियन कल्चर सबसे इसमें डाइसी पार्ट है बिकॉज फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न टाइम्स इंडियन कल्चर लिख दिया है. तो आप जब एंशंट एंड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर किंगडम में, हर इपोक में, हर टाइम पीरियड में एक कल्चरल आस्पेक्ट भी आता है ना. जैसे आप अगर जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या ऋग्वेदिक कल्चर, तो ये कल्चरल पार्ट, कल्चरल हिस्ट्री साथ साथ में सारी चलती है. तो आपको एंशियंट मिडिवल आपने प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कल्चरल हिस्ट्री एंगल से करना पड़ेगा कि कल को उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ समुद्रगुप्त टू द इंडियन आर्ट एंड कल्चर. तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. डेफिनेटली टफर साइड पर हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा. या भक्ति मूवमेंट पर आ जाए, संगम लिटरेचर पर आ जाए, है ना, उपनिषद्स पर आ जाए, ब्राह्मणिकल लिटरेचर पर आ जाए, है ना, अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन इरा इन आर्ट एंड साइंस में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया का, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन एंशंट के भी पूछे हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त, वाई ही वॉज नोन एज ए ग्रेट मैन, है ना, अकबर पे पूछ लिया. तो अब ये क्वेश्चन, खैर इस बार मैं पेपर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस बार इस तरह के आर्बिट्रेरी क्वेश्चन आएंगे. अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिलेबस के प्रीव्यू में उसको होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि पेपर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है. तो आपको मॉडर्न इंडिया अच्छे से तैयार करना है, प्लस कल्चर जो है वो भी बड़े अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज कल्चर के अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी वाइड हो जाती हैं, है ना. तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ कल्चर के, जो शुरू से किस तरह के कल्चर के, आप देखेंगे 20-25 क्वेश्चन ही बनेंगे, बस उन्हीं के प्रीव्यू में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आके फंस जाएगा. सेकेंड पार्ट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आपके इस सिलेबस में है, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. इसमें आपका हरियाणा का भी एस्पेक्ट आ जाता है. इसी तरह से आप जब हिस्ट्री एंड कल्चर कर रहे हैं तो हरियाणा का भी साथ में लेके चलें, है ना. उस तरह ज्योग्राफी करेंगे तो हरियाणा ज्योग्राफी लेके चलें, पॉलिटी करेंगे तो हरियाणा पॉलिटी भी लेके चलें, ये लेके चलते रहें. क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है हरियाणा पे, आप अपने आंसर में अगर हरियाणा का एग्जाम्पल देते हो, यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स. मैं इस पर भी लेक्चर अलग से करूँगा कि कैसे हरियाणा एचसीएस का जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मेन्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स.
क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं जिससे आपके हरियाणा में नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर करूँगा। ठीक है, तो इसमें आप फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें जैसे पहले क्वेश्चन मानसून पे आया हुआ है या सॉइल्स पे आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ 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 आए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, इनलैंड वाटरवेज पे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड में, इकोनॉमिक में आते हैं, सोशल में आ गए, इंडियन पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ गया कोई, या फिजिकल आस्पेक्ट में क्लाइमेट पे, सॉइल में, वेजिटेशन पे, है ना, फिजियोग्राफी पे, रिवर्स पे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो हम प्रीलिम में भी करते हैं, ज़्यादा मुश्किल एरिया नहीं है ये, आप प्रीलिम्स में भी करते ही हो ये, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो ये ज्योग्राफी वाला हैंडल हो जाएगा। और डेफिनेटली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें आप डिफरेंट आस्पेक्ट्स लाइक अर्बनाइजेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना, सोशल आस्पेक्ट्स ही ऐड करोगे। नाउ थर्ड पार्ट इज़ योर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड इशूज़। ठीक है, तो इसमें वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आजकल करप्शन इन पॉलिटिक्स का बड़ा शोर चल रहा है, न्यूज़ आ रही है टीवी में, है ना, तो इंडियन डेमोक्रेटिक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, कैसे इसको टैकल करने के लिए क्या लॉ है, क्या प्रोविजंस हैं, लोकपाल, CVC, मतलब ये चीज़ें, ED, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे रिलेटेड इशूज़ जो चल रहे हैं पॉलिटी में वो करने आपको कवर, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वही कन्वेंशनल क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स पे, ड्यूटीज़ पे, पार्लियामेंट पे, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शंस, पंचायती राज, एक जो मेंस के हम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं वो क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। प्रीलिम में भी करते हो लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक क्वेश्चन आंसर मोड में आप करोगे। क्वाइट अचीवेबल टॉपिक। और करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, ये थोड़ा सा बहुत वाइड सा एरिया इन्होंने दिया, आगे डिस्क्रिप्शन भी दी है, बट डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा आप अगर जाएंगे तो फंसने की ज़्यादा उम्मीद है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप ले लिया है इसका। तो बात यही है कि करंट में जो नेशनल इश्यूज़ में आ रहा है पिछले 6 महीने में, और सोशल इश्यूज़ जो इमर्ज हो रहे हैं उनको पकड़ना है आपने, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी अगर करने लगोगे तो फैल जाएगी चीज़ और बाकी चीज़ें मिस हो जाएंगी। अब क्वेश्चन जनरली वुमेन पे आ गया, कोई वुमेन एजुकेशन पे आ गया या प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन आ गया, तो आप इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी करें, तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड आ गया, तो ठीक है, आपको इतना समझ वहाँ पे डेवलप होनी चाहिए आपकी कि आप बना के 40 वर्ड या 100 वर्ड लिख पाओ। तो थोड़ा सा अपने आप पे भी विश्वास रखना है, अगर अक्षरक्ष पढ़ने लग गए इसको, एक एक चीज़ को उठा के, तो फिर वो मतलब कंट्रोल में रहेगी नहीं चीज़ आपकी। यही मेरा लेक्चर का मकसद है कि कहीं आप मिसगाइड ना हो जाएं। इस सारा सेक्शन है इसमें से, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन का ही रिस्क है, लेकिन फिर भी उसमें भी आप लिख सकते हो। और ड्रग अब्यूज़ पे आ गया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया, इसके लिए बहुत पढ़ने की, पढ़ोगे तो और नहीं पढ़ोगे हार्डली आधा नंबर या 1 नंबर का कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिस विच विल आपके कहीं और सेक्शन सफ़र कर जाएंगे इस चक्कर में। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया सिलेबस का। और पार्ट 2 के अंदर आप देखिए क्या आ गया। पार्ट 2 के अंदर 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन पार्ट 2 के अंदर इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडियाज़ रिलेशन इन द विद अदर कंट्रीज़ है, है ना, तो ये इसमें आपका फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियंस अब्रॉड, तो कोई भी इंडो पाकिस्तान हो गया, इंडो नेपाल हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, जैसे इंडो श्रीलंका इम्पॉर्टेंट है आजकल, चाइना ने अपना जंगी जहाज वहाँ पर खड़ा कर दिया, तो थोड़ा सा इंडो श्रीलंका पिक्चर में आ गया, ऐसे इंडो पाकिस्तान भी पिक्चर में आ गया, बिकॉज वहाँ चाइना की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई है, एक तरह से चाइना एनसर्कल कर रहा है। अब नेपाल में भी चाइना की एक्टिविटी आप देख रहे हो, बर्मा में देख रहे हो, बांग्लादेश के अंदर भी इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है चाइना। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक तरह से इंडिया को चारों तरफ से घेरने वाली बात ही हो गई कि अपनी प्रेजेंस डिफरेंट कंट्रीज़ में बनानी है। तो ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे इंडिया रशिया के, कल डोभाल साहब रशिया में गए, तो इंडो रशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कुछ कुछ आपको जो इंडिया एंड द वर्ल्ड वाले इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो नॉर्मली हम वही इशू जनरली करते हैं जो न्यूज़ में पिछले 6 महीने में रहे हैं, क्योंकि टाइम कम होता है तो उतना ही लेके चलना पड़ता है, और जनरली क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। देन सेकंड आपका इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट आपकी करनी है आपको, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO इसके साथ इंक्लूडेड है। इंडियन इकोनॉमी में वही प्लानिंग के क्वेश्चन हैं, लिबरलाइजेशन पे आ जाए, प्राइवेटाइजेशन पे आ जाए, ग्लोबलाइजेशन पे आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, मेक इन इंडिया, है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, देन डिजिटल इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी,
है ना, फाइनेंशियल सिस्टम बजट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, डेट के ऊपर, तो ऐसे आपको ये 30-35-40 क्वेश्चन इकोनॉमी के अच्छे से तैयार करके जाने पड़ेंगे और उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो प्रीलिम में भी करिए आपने इकोनॉमी, लेकिन मेंस पॉइंट से इंटेलिजेंटली आपने क्वेश्चनों को कार्व आउट करना है। देन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें इवेंट्स इन दी वर्ल्ड अफेयर, जो आपके वर्ल्ड में इवेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो अभी चाइना ताइवान का इशू है, चाहे फिर वो आपका रशिया यूक्रेन का है, साउथ चाइना सी का है, है ना, ऐसे अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं आपके वर्ल्ड में, जो भी एरियाज हैं जहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। चाहे श्रीलंका की प्रॉब्लम्स हैं, श्रीलंका पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन श्रीलंका, है ना। तो ऐसे सारे जो मोटे मोटे इश्यूज हैं वो हमें तैयार करके जाने पड़ेंगे, राइट। और देन डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन एंड स्पेस, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट्स लाइक न्यूक्लियर में, स्पेस में, आईटी में, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये मोटे मोटे एरियाज हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपका पेपर टू का एक पार्ट है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये आपका बहुत स्कोरिंग एरिया है, अगर आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं तो आपके ये अगर 10 या 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ये, या 20 नंबर का आता है, तो 20 नंबर आपके बहुत ही अच्छे पक्के हो सकते हैं, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है। जल्दी बच्चे क्या करते हैं, इसको लाइटली ले लेते हैं और वहाँ क्वेश्चन पेपर में मुश्किल आ जाता है और वो काम ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मेरी रेसिपी ये है, पहले कि जो पिछले 3-4 साल में पेपर आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके या आप गूगल में HCS अभिपीडिया टाइप करें तो आपको वो एक HCS के हमारे मेन पेज पे ले जाएगा अभिपीडिया के, वहाँ ऊपर टॉप बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक है, वहाँ क्लिक करेंगे तो सारे पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पेपर वहाँ पे देख के आप उन पेपर्स में से आपने जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो अच्छे से करना है। तो ये आपके सारे एरियाज हैं, अनलाइक सिविल सर्विसेज थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अलग से वीडियो एक रिकॉर्ड करूँगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन HCS, तो एंड इट्स कोरिलेशन विद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं आपको गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप HCS में नंबर लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। IAS का तैयारी का पैटर्न बहुत अलग है और वहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत अलग आते हैं, यहाँ बहुत अलग आते हैं, तो आपको तैयारी इसके साथ के लिए भी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है, और पेपर पार्ट वन में 4 सेक्शंस हैं और पार्ट टू में 5 सेक्शंस हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो मैं आगे एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन भी करूँगा पैटर्न की, प्लस मेंस आंसर राइटिंग पे करूँगा, तो स्टे इन टच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेक्चर्स ऑन HCS। अब ये लेक्चर्स उनके लिए भी बेनिफिट हैं जो आगे स्टेट सिविल सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्रेंड आज का है। और जो लोग आज मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक विंडो ओपन कर रहा हूँ, ये एक नंबर है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए 9501114021। ये हमारा ये इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम इन स्ट्रेटजी, प्लस कोई आपने मेंस का अपना आंसर चेक कराना है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, हार्डली मैटर्स। तो इस पे आप WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज करना है। और ये विंडो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए खुली है जो इस बार HCS मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका GS का पूरा सिलेबस है और आपको बिल्कुल दायरे में रहना है इस सिलेबस के। एक्सपेक्टेड यही है इस बार कि पेपर इसी सिलेबस में से आएगा और HPSC विल डेफिनेटली, या जो भी एग्जामिनर है HPSC का, वो इन दायरों को कन्फर्म जरूर करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।